हेलो गाइस, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। रूबीना द लाइक के शो में सना ने किए चौंकाने वाले खुलासे। जी हां, मैं बात कर रही हूं सना खान की, जो कि अब ग्लैमर वर्ल्ड से हो गई है पूरी तरीके से दूर। और अब सना खान ने रूबीना द लाइक के शो में आकर शैतान का जिक्र करते हुए किया है बड़ा खुलासा, जो कि आपको भी चौंका देगा, क्योंकि सना खान रूबीना के सामने रोई है फूट फूट कर। यकीन नहीं हो रहा तो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। इन तस्वीरों में बार बार अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछती नजर आ रही है सना खान। दरअसल रूबीना के शो किसी ने बताया नहीं पर पहुंची थी सना खान, जहां पर सना ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में खुलकर बात की। सना ने कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं हिजाब क्यों पहनती हूं। कभी कभी हम बहुत अच्छे लोगों से बात करते हैं, बावजूद इसके हमारी बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, मैंने खुद से सवाल करने शुरू कर दिए। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं स्लीवलेस से बैकलेस की तरफ चल पड़ी। इतना ही नहीं, सना ने आगे कहा, मुझे पता ही नहीं चला कि कब शैतान ने मुझे नंगा कर दिया। मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब मुझे एहसास हुआ कि पूरी तरह से मैं खो चुकी हूँ। मुझे एहसास होने लगा कि मैं वो लड़की हूँ जिसने सलवार कमीज पहनकर स्कूल में एंट्री की थी। अब मैं बोल्ड अवतार में स्टेज पर जा रही हूँ। जिस दिन मुझे ये बात समझ आ गई, उस दिन मैं बहुत रोई, फूट फूट कर रोई। बता दें आपको, रूबीना के सामने ये सब खुलासे करते वक्त सना फूट फूट कर रोती नजर आई। ऐसे में रूबीना ने सना को संभालने की पूरी पूरी कोशिशें की। इसके अलावा सना खान ने अपने बेटे पर भी बात की है। सना ने बताया कि उनके पति बेटा या बेटी में भेदभाव नहीं करते। उनके पति का मानना है कि ये तो भगवान की देन है। वाकई में सना के इन खुलासों ने सबको चौंका दिया है। बहरहाल गाइज, इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन गॉसिप्स के लिए फिल्मी बीट।